सतना का ऐतिहासिक जगत देव तालाब अब दलदल बन गया है। जगत देव तालाब में चारों तरफ इसी तरह का दलदल नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और प्रशासन तंत्र की आक्रमण्यता के चलते इस ऐतिहासिक धरोहर का वजूद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। यहाँ का शिव मंदिर, जो शहर की आबादी का प्रमुख श्रद्धा और आस्था का केंद्र था, वहाँ अब लोग जाने से कतराते हैं। श्राद्ध पक्ष में यहाँ कभी हजारों की भीड़ पितरों का तर्पण करने जुटती थी, लेकिन अब यहाँ का पानी जहाँ जहरीला हो चुका है, वहीं खरपतवार कीचड़ के बीच जगह जगह कचरे का ढेर मलबे के रूप में दिखाई दे रहा है। तालाब की मेड़ सहित पुष्पराज कॉलोनी की तरफ पूरी तरह तालाब का भूखंड दबंगों की कब्जाई गई इमारतों के रूप में दिख रहा है। वो दिन दूर नहीं जब यह धरोहर सिर्फ किस्से कहानियों की तरह इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। एक दशक पहले 1000 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अमोधा और नारायण तालाब के विकास सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट की तरह जगतदेव तालाब को भी संवारने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अदालत से स्टे के कारण काम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस समय 200 साल पुरानी शहर की पहचान जगतदेव तालाब की उपेक्षा के चलते लगातार जलकुंभी और अन्य खरपतवार, चारों तरफ की गंदगी, कचरे के ढेर इस धरोहर को लील गए। बता दें कि 18वीं शताब्दी में जब भीषण अकाल पड़ा था, तब जगतदेव तालाब ने इस तालाब का निर्माण कराकर शहर की जनता को समर्पित किया था। शिव मंदिर एवं घाटों का निर्माण भी इसी दरमियान शहर के लोगों के जन सहयोग से हुआ था। पितृपक्ष में सुबह से ही लोग यहां तर्पण करने आ रहे हैं। पितृपक्ष का आज तीसरा दिन भी बीत गया और इस तालाब के मौजूद दलदली हालात लोगों को परेशान करते रहे। तालाब में गंदगी और दुर्गंध के कारण बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। अब इसका तो भगवान ही मालिक है। आज हम 40 साल से लगातार आ रहे हैं और इतनी अच्छी जगह को कौन सी गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्या है, दुनिया भर की प्लानिंग होती है। मान लीजिए यदि सुत्या है तो मकान मालिक से बात, उसके जमीन मालिक वाले से बात करके उनसे आप सौदा करके बनवा दीजिए। यदि नहीं है तो किसी ने स्टे के खिलाफ कोई गया नहीं यहाँ से, और आज जो दुर्दशा हो रही है सिवा गंदगी के यहाँ पर कुछ नहीं है। भोलेनाथ का पहले इससे नहाना आचमन होता था, वर्तमान में तो सड़ान ही सड़ान दिख रही है। सारे नेता, सारे सारे लोग हैं सतना के अंदर, पर इसके विकास की बात कोई नहीं सोचता। बोले ये जमीन, ये मंदिर कम से कम 170-175 साल हो गया, ये सतना की धरोहर है। यहाँ के जो शंकर जी बड़े सिद्ध हैं, वो परेशानी है कि यहाँ तो इतना अच्छा वो बन सकता है, चारों तरफ भी एक पर्यटन की जगह बन सकती है। पैसा 1.5-2 करोड़ रुपया वो दीवार में बनवा दिया, बेकार हो गई, सब लोग सरिया काट के ले गए। क्यों नहीं हुआ? अगर मान लीजिए उसमें स्टे लगना था तो क्यों काम शुरू हुआ? शहर का जगत जो तालाब जो है, ये हृदय स्थल है। एक तालाब ही शहर के अंदर आता है, जहाँ भगवान शिव की मंदिर के साथ साथ लोग बारह महीने हमेशा पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और अभी इस समय जैसे पक्ष का समय चल रहा है तो वहाँ लोग पानी तर्पण करने के लिए जाते हैं, और वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग वहाँ अच्छे से पानी देने जा सकें। ये 15 दिन ऐसा रहता है कि पूरे शहर के लोग वहीं तर्पण करने के लिए जाते हैं। इससे हमारी आस्था भी जुड़ी है, इसलिए मैं सतना शहर के नगर निगम या जो भी हैं अधिकारी, उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ सफाई का थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये लोगों का आस्था का सवाल है।